भाई मैंने हो गया एक हफ्ता लगभग ताइवान था और आज मैं इस आर्मी हूँ। आज मैं दोबारा अपने उसे वर्क कल्चर में दोबारा जाना चाहूँगा जहाँ मैं पहले एक साल पहले मैंने सर्व कराया था एज ए CRC क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। तो मेरी बात हुई थी मेरे सीनियर से, तो मैं आऊँगा आज, देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि मेरी पोजीशन पे एक नया बंदा आ गया जो कि CRC है, मे बी वो भी फार्मेसी से ही है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अब बच्चों का टाइम हो रहा है स्कूल जाने का, जैसे हमारा भी होता था, तो दिखाता हूँ तुम्हें क्या चल रहा है। बाढ़ को रहे तैयार इनकलाब के जोश ले पड़ी। एक तो वो खड़ा वो खड़े वो दिख ही रहा होगा तुमने, है भाई तेरा जान का टाइम हो गया। शर्माण लग रहे है तू तो। अरे तेरी बस कितनी देर में आएगी है? स्कूल नहीं जाना, फिर दांत क्यों दिखा रहे हैं? इसका नींद चल रही है सुबह पहले। कहाँ है तेरी बस, क्यों नहीं आई अभी तक? है फिर जोर से बोल ले, जोर से क्यों नहीं बोल रहा? कैमरा फियर देख रहे हो तुम, इसे कहते हैं कैमरा फियर। मेरे में तो है नहीं, मेरा तो खत्म हो गया, बाकी इसका देख ही रहा है, बात कर रहा है। बालका का सही सिस्टम है, इन्हें कोई लेना देना नहीं के चल दे के नहीं, सब क्यों टाइम पे तैयार हो जाए। हमारे टाइम पे टिफिन टाफन पैक तो हमारे भी करके दिया करते, और इनका कुछ ज्यादा ही था। ठीक है, एक एक वो भीतर बैठी होगी, उसका तो नारे सिस्टम है। लग रही है वो भी तैयार हूँ, शोर शराबा पूरा हो गया। तो यो है बनादार हॉस्पिटल, अब देखा अंदर जाके के रहे के नहीं। बाकी काफ़ी चेंजेस आ गए हॉस्पिटल में भी, जैसे पीछे भी बन रहा है उस तरफ भी, और अपने ये एंट्री है इस तरफ से ही। सही है यार, ये रूट आया करता, बाकी काफ़ी चेंजेस कर दिए, जिस तरह पार्किंग वगैरह का चेंज। टेम्परेचर नोट कर दू सर। ये है अपना क्लिनिकल रिसर्च रूम, इसमें ये रेफ्रिजरेटर, सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपने धर्मेंद्र बाबू जी, हवा में प्रणाम बाबू जी। ये मेरे सीनियर जो कि यहाँ पे रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं आधार हेल्थ इंस्टीट्यूट में, और ये दीपक, मिस्टर दीपक, नर्सिंग स्टाफ सुबह सर। जिस तरह धर्मेंद्र बाबू जी का बैठने का स्थान, विराजने का स्थान क्यों, वहाँ पर वहाँ उस तरफ मैं बैठा करता, जो मतलब मेरी पूरी पुरानी सिटिंग पोजीशन थी, इस तरफ ये सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखी हैं, सब कुछ भरा रहा करता जैसे पहले था वैसे ही सब कुछ है। हाँ बस थोड़ी मिसमैनेजमेंट है, हालांकि सर कह रहे थे कि लड़कियां मैनेजमेंट ज़्यादा हो है, लेकिन नया रिसर्च कोऑर्डिनेटर सर शिकायत कर रहे हैं कि मतलब ये चीज़ तो है। काम अच्छा था। बाकी सर नया जो अपना स्टाफ आया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मतलब मैं कैसा काम करा करता, सच्ची में बताओ, कोई छुपाने की बात को नहीं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है। मैं म्यूट कर दूंगा, कोई नहीं। हैंडल विद केयर, हाँ वो तो मुझे नहीं लग रहा था उसको पीछे। तो बताओ सर क्या कहना चाहोगे, मैं कैसा काम करा करता? अच्छा था, गलतियां करता था, गाली खाता था कभी कभार, बाद में सीख गया था। अब कैमरे के सामने झूठ तो क्या ही बोले, अपराध तो कर नहीं रहे कोई, हम तो भाई को अपनी बातें बता रहे हैं। दीपक इस चीज का साक्षी है क्यों? हाँ हाँ गलतियां तो होती थी,
थोड़ा सा धीरे धीरे सीख गए। पर अगर आपने कैमरा खोल ही दिया तो सब सच सुन लो। गलतियां करता था, माइंड डाइवर्टेड रहता था। तो फिर नया जो अपना नया सीआरसी है उसमें क्या चीज ऑब्जर्व करी आपने? लाइक ही सीज कंसंट्रेटेड ऑन हर वर्क, सी डोंट यूज टू से अबाउट द थिंग्स व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट टू जनरल। और दीपक भाई तू बता कैसा चल रहा है काम? जमा बढ़िया, सब कुछ सही, जमा नजारे आ रहे हैं, जमा। भाई का प्रमोशन हो गया, पिछली बार मैं आया था भाई जब किसी और उसमें था डिपार्टमेंट में, उपेंद्र सिंह स्टाफ में आ गया भाई। अरे अरे लुटते हैं तो निंदे हो गए इसके। ये अपने नए सीआरसी हैं जो यहाँ पे नाम क्या है? अंशु। हाँ तो यहाँ पे मैं जिस तरह काम कराया करता, जिस तरह ये काम कर रही हूँ उसी पर यार, कंप्यूटर में घुसे रहना और काम करते रहो, इट डजंट मैटर व्हाट्स गोइंग अराउंड यू। सर ने कही थी बात तो कि मतलब मैं थोड़ा डेविएटेड रहा करता, लेकिन हाँ अंशु के साथ बातचीत होनी कि हाँ काम करे, मैं तो हूँ डेविएटेड सर, क्या करूँ। कोई और टिप्पणी सर? व्यक्ति विशेष कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हम किसी के ऊपर। अभी वो आ गई है तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कोई वीडियो फेमस हो गई इसको दी गई तो क्या कहाँ पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे हम अगर। इसका बाद आधार ते ले ली मैंने आधी छुट्टी, आधी छुट्टी लेने के बाद मैंने अपना उठाया विमान, विमान उठा कर मैं निकल लिया घर की तरफ। घर पे पता लगा कि बच्चे वेट कर रहे थे मूवी देख कर खाता, कि इन सब का प्लान था कि हम आज गदर मूवी देख कर आओगे सारे साथ मिलकर। नहीं एक अपने हो भाई जमा सही है बढ़िया, कान से मरोड़ रखे मोटरसाइकिल के, जोर से बोले कहाँ जा रहे हैं हम? मूवी देखने। कौन सी मूवी? मूवी का नाम पता है तेरे को? गदर। तने पता है सारा? गदर टू। गदर टू, तेरे दांत तो सीधे हो जाए पहला, गदर टू। या सही है, क्यों पिक्चर क्यों देखने जाते हैं लोग, पिक्चर क्यों देखने जाते हैं हम शावी? मस्ती देखने जाते हैं या करने जाते हैं? करने जाते हैं। इस तो बाद मैंने कही आए बेबे सिटी मार के दिखा देने किस तरह मारे करे, तो ये बोले ले मैं दे तेने ट्यूटोरियल सिटी किस तरह मारे करे। इसने सिटी तो मारी लेकिन आवाज किसी ने नहीं सुनी, उम्मीद है तुम सुन लोगे, थोड़ा कान लगा के सुनियो किस तरह सिटी मारी इसने। आती है तेरे को? तेरी बजा के दिखाई सिटी, इस साइड मुंह करके बता, आवाज तो आती नहीं ऐसे, बस तेरी सिटी बजती नहीं है जोर से। आप अपनी सिटी बजती तेरे क्या हो गया? कोई नहीं भाई तू दिल ललका मत कर, मैं जब तेरी उम्र का था मैंने भी सब यूं ही कहा करते बावली बूझ। और हाँ तेरी दादी यानी मेरी नानी वो तो मैंने भी कह दे, तो बावली बूझ ही है शायद, हूँ मैं। ये जा रहे हैं हम गदर टू देखने, पी टू पे शायद, पी टू। ठीक है भाई मैं देख लूँ अपना गदर मूवी, तुम अपने देख कर वीडियो बताओ कैसी लगी कैसी नहीं। मिला फिर अगला व्लॉग में, जुड़े रहो, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो, कमेंट कर दोगे तो और अच्छी बात है।